Okay. Now let's move on to our next figure, that is rhombus. अब रोम्बस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम हमने जस्ट इससे पहले देखा था. सो अ पैरेललोग्राम दैट हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल इज बेसिकली अ रोम्बस. वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है उसको हमें रोम्बस बोलते हैं. रोम्बस कुछ इस टाइप के शेप का होता है, अ काइट लाइक शेप विद ऑल फोर साइड्स इक्वल. ओके, अब अगर ये इसका एक डायगनल है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी एंड डी. लेट ए सी बी वन ऑफ द डायगनल्स एंड इसको मैं डी वन नाम दे देता हूं. लेट बी डी बी अनदर डायगनल, इसको मैं डी टू नाम दे देता हूं. सो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन एज हाफ इंटू डायगनल वन, मतलब कि डी वन इंटू D2, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी रोम्बस. अब रोम्बस में एक चीज हमेशा याद रखने की रखी है कि रोम्बस की चारों साइड हमेशा इक्वल होती है. ओके, सो इसका मतलब है कि ए बी विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू सी डी विल बी इक्वल टू डी ए. ओके, दीज आर वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. एंड डायगनल्स बाइसेक्ट एट इट्स सेंटर. ठीक है, जो डायगनल्स होती है ये बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एम, सो ए एम विल बी इक्वल टू एम सी एंड बी एम विल बी इक्वल टू एम डी एंड ए एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ये कितना है डी वन, मतलब कि पूरी डायगनल कितनी है ए एम प्लस एम सी, दोनों को ऐड करूंगा तो डायगनल की लेंथ मैंने डी वन मानी है, सो दैट विल बी इक्वल टू डी वन. और बी एम प्लस एम डी कितना हो जाएगा, ये टोटल d2 will be equal to d2. So, इसका इससे मैं ये भी कह सकता हूं कि bm is equal to md is equal to d2 by 2, मतलब कि ये जो d2 है total length उसका half. और same way am will be equal to mc will be equal to d1 का half. तो ये कुछ चीजें हैं that we need to keep in mind before starting to solve the questions based on the area of rhombus. अब हम चलते हैं कुछ questions की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली. हम चलते हैं क्वेश्चन सॉरी प्रैक्टिस सेट 15.2 की तरफ. इसका पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ डायगनल्स, लेंथ of diagonals is equal to 15 या फिर length of diagonal 1 ले लेते हैं. diagonal 1 is equal to 15 centimeter and length of diagonal 2 is equal to 24 centimeters. अब मुझको क्या find out करना है, I need to find out the area of the rhombus. area of rhombus क्या होता है, area of rhombus is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2 which is equal to half into diagonal 1 कितना है 15 into diagonal 2 कितना है 24. अब ये 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 12. 15 into 12 is that is 180. So this will be equal to 180. Again area है इसीलिए square centimeters. Unit लिखना is a mandatory thing that needs to be done in this chapter. Okay. So हमारा area कितना आया है? Area of rhombus is equal to 180 square centimeters. Okay. Moving on to the next question. अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ डायगनल 1 इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ ऑफ डायगनल 2 is equal to कितना ये 14.2 centimeters. ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस. अगेन फॉर्मूला लिखना अभी बहुत जरूरी होता है इसमें. एरिया ऑफ रोम्बस
is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2, which is equal to half into diagonal 1 कितना है 16.5 into diagonal 2 कितना है 14.2. ओके अब 16.5 into 14.2 करके देखते हैं. 16.5 into 14.2 4.30. ये कितना हो रहा है? This is equal to half of half into 234.30. आप इसको हाफ से भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 117.15. सो 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड rhombus. Okay, so these were the very easy ones that were asked to us. Let's move on to another one और देखे कि what if some tricky kind of question is given to us. Okay, चलते हैं question number 3 की तरफ. Question number 3 में हमसे पूछा गया है, if perimeter of a rhombus is 10 centimeter. क्या कहा गया है? Question number 3, perimeter of rhombus is equal to 100 centimeters and length of diagonal is 48 centimeter. Length of diagonal is equal to 48 centimeters. Okay, find the area of the rhombus. What is the area of the quadrilateral? Okay, अब ठीक है, क्या कहा स्पेसिफिकली गिवन है कि वो एक रोम्बस है तो मुझे उसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब एरिया के लिए मुझे सबसे पहले उसकी एक डायगनल पता है, दूसरी डायगनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ने वाली है. हाउ एम आई गोइंग टू डू इट, लेट्स गो फॉर इट. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले को लेट ए बी सी डी बी दी रिक्वायर्ड रोम्बस. मैंने क्या मान लिया कि ए बी सी डी जो है वो है मेरा रिक्वायर्ड रोम्बस. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ओके, और मैं और एक चीज मान लेता हूं, ए डी ए सी को मैं वो डायगनल मांग लेता हूं जो गिवन है. ओके, लेट ए सी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स. मैंने ए सी को 48 सेंटीमीटर वाली डायगनल मान लिया. ओके, और मैं एक मान ले रहा हूं क्या, लेट डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. लेट डायगनल्स टू इंटरसेक्ट एट एम. ठीक है, एज वी नो, ठीक है, अब मैंने उसको एम के ऊपर इंटरसेक्ट करवा लिया. वी नो दैट द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ठीक है, वी नो दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर डायगनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए एम इज इक्वल टू एम सी. ए एम और एम सी इक्वल होगा और वो कितना हो जाएगा, डायगनल का जो विच वुड बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो ए एम और एम सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है. ए एम कितना है मेरे पास 24 और एम सी भी है मेरे पास 24. ओके, दूसरे डायगनल तो मुझको पता नहीं है. सो अब ये क्यों, क्योंकि डायगनल बाइसेक्ट करती है. ओके, मुझको एक और एक चीज पता है, क्या, पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर of rhombus is equal to 4 times side
क्यों फोर टाइम्स साइड, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होते हैं और चार ही साइड है, तो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड विल बी इक्वल टू पेरीमीटर. सो फोर टाइम्स साइड, चारों साइड्स इक्वल ही है. सो द 100 इज इक्वल टू 4 इनटू साइड. सो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है साइड की, 25 सेंटीमीटर. सो दिस इज 25, दिस इज 25, दिस इज 25, This is 25. ठीक है, अब मेरे पास साइड्स की वैल्यू आ गई है, मुझे किसकी वैल्यू नहीं पता है, मुझको डायगनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब अगर मैं ट्राइंगल बी ए एम बी को देखूं, ओके, इन ट्राइंगल ए एम बी, ठीक है, तो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? Diagonals bisect each other at right angle. At right angle. Okay, diagonals right angle पे एक दूसरे को bisect कर रही है. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अब AMB, अगर ये right angle triangle है तो मैं Pythagoras theorem use कर सकता हूं. So I can write AB square is equal to AM square plus MB square using Pythagoras theorem. Okay, so अब AB की वैल्यू मुझको पता है कितना है, 25, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AM की वैल्यू मुझको पता है कितना है, 24, उसका स्क्वायर प्लस BM की वैल्यू मुझको पता है नहीं, MB की वैल्यू ही मुझको फाइंड आउट करनी है. ओके, 25 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर इज 596, 576. तो ये हो जाएगा 576 प्लस MB का स्क्वायर. ओके, सो अब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, अब मुझे एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, मैंने सारे अननोन्स को यहाँ, अब नाउ आई एम रबिंग द अपर पोर्शन. ठीक है, अब ऊपर का मैंने रब कर दिया. सो अब मैं क्या करूंगा, ये जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पर लेकर आऊंगा, तो मुझे मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 576 को अगर मैं यहाँ पर लेकर आया, आई विल गेट 625 माइनस 576 इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 49 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर. सो MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो MB की वैल्यू मेरे पास आ गई है, कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर. तो MB की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर. सो बट MB इज इक्वल टू MD, तो MB और MD सेम रहेगा. क्यों? डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो अब मुझे MB और MD दोनों की वैल्यू मिल गई है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो BD लेंथ ऑफ डायगनल टू इज इक्वल टू MB प्लस MD इज इक्वल टू 7 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो BD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 14 सेंटीमीटर. अब मेरे पास AC की वैल्यू है, मेरे पास BD की वैल्यू है, अब मैं एरिया ऑफ डायगोनल क्वाड्रिलेटरल निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, which is equal to half into diagonal 1 कितना है, AC into BD, that is equal to half into 48 into ये कितना आ रहा है 14. So इसको cancel out किया तो ये हो जाएगा 7. So 48 into 7 जो भी होगा that would be our answer, which is equal to 48 into 7. So this is equal to 756 28. This is equal to 336 square
सेंटीमीटर्स. ओके, सो इस तरीके से हमें जो अननोन है, हमने सबसे पहले दोनों डायगोनल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया और फिर हमने हमारे एरिया को फाइंड आउट किया. अब देर आर वेरियस थिंग्स दैट वी हैड टू यूज इन इट, पाइथागोरस ले लीजिए या फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस थी वो सब, बट हमने उन सभी चीजों को यूज किया एंड वी केम अप टू दिस आंसर. ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी चीज के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रोम्बस.